चरस और शराब माफिया की दहशत से परेशान होकर बनवारी वाटिका के निवासी पलायन करने को मजबूर हैं और शराब माफिया की दहशत के चलते लोगों ने अब अपने घरों के बाहर पलायन बोर्ड लगा दिए हैं और लोगों का कहना है कि अगर शराब माफिया और उसके पुत्रों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने मकान बेचकर यहां से पलायन करने को मजबूर होंगे। वहीं इस पूरी वारदात के पास बाद ही चरस माफिया अपने मकान पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने स्थानीय लोगों से पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। आपको जानकारी होगी कि पहले समय में इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं कि टीपी नगर के कुछ कुख्यात क्षेत्रों में नशे का कारोबार होता रहा है और साथ साथ ये भी जानकारी है कि अब इसको पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। छिटपुट चोरी छुपे अगर कुछ लोग उसमें कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाती है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं या इस कारोबार को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे, रोकथाम नहीं कर पा रहे, उनके विरुद्ध भी काफ़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आपको सभी को जानकारी है, अभी परसों रात को एक ऐसी ही कारोबारी की बेटी के दुकान के लड़कों के द्वारा किसी दुकान में जाकर के अभद्रता मारपीट करे जाने का आरोप लगाया गया था। उसमें कुछ लोग मेरे पास स्थानीय लोग मिलने के लिए आए थे, मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत है, इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार को किसी भी तरीके से उसका दमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये उनका आह्वान करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी सूचना आती है तुरंत हमारे नंबरों पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तुरंत रिस्पॉन्स होगा और इसके प्रति गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यूं तो प्रदेश से भू माफिया और अपराधी बाबा के बुलडोजर के चलते प्रदेश छोड़ने पर मजबूर है, लेकिन मेरठ की एक तस्वीर यहां अलग ही सामने आई है जहां शराब तस्कर और चरस तस्कर से परेशान होकर मोहल्लेवासी पलायन करने को मजबूर है। यहाँ पर मकानों पर पलायन के बोर्ड लगाए गए हैं, मोहल्लेवासी यहाँ पर शराब तस्कर से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर है। हम मोहल्लेवासियों से यहाँ पर बात करेंगे कि उन्हें क्या समस्या हो रही है और आखिर वो पलायन करने को क्यों मजबूर है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृष्णा। ये पलायन के बोर्ड लगाए गए हैं मकानों पर, क्या समस्या है, क्यों पलायन करने को मजबूर है? ये रोज के रोज मारपीट कर रहा है, ये शराब बेच रहा है और ये गाजा बेच रहा है। क्या नाम है, कौन ऐसा माफिया है जिससे परेशान होकर आप? ये गोलू है और मैं इसका नाम नहीं जानता भी। पिछले कितने वर्षों से ये शराब का कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं? करीब 200 साल से कर रहा है, 200 साल से ऊपर हो गया है। पुलिस वाले आता है जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कार्रवाई नहीं करता? शिकायत करी आपने इसकी पुलिस? जी बहुत कर रहा है लेकिन आता है जाता है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। जी नहीं। और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करें। अम्मा पहले, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राम बती। क्या दिक्कत आ रही है, प्लान क्यों कर रहे हैं आप लोग? भैया नो कर रहे हैं, जब परेशान कर रखे तो क्या कर रहे हैं, कहाँ मरे जाके ये बताओ मुझे। अब एक बात, हमारा तो बुढ़ापा, हमारे पोती है, बेटी है, बहू है, ये बताओ मुझे। अब एक बात अकेले है, हम कल मर गए, हमारी बहू बेटी जा रही है, ये बताओ इनके पास पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से आप शिकायत नहीं कर रहे क्या? पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, पुलिस आती है अंदर, हमें मालूम नहीं क्या होता क्या नहीं होता। पुलिस पैसे देती है क्या करते हमें नहीं मालूम, हम अंदर कैसे जाए बताओ मुझे। भाई हम अंदर नहीं जा सकते, ये बताओ। आगे को हमें आगे को बहू बेटियों का तो डर है ना, ये बताओ मुझे इनके। चलो उधर लड़ाई हो गई आपसे। मैं और बुजुर्ग भी हमारे साथ। बाबा क्या समस्या आ रही है, क्यों प्लान कर रहे हो? मेरे पोते हैं ये, मेरे पोते पीछे यहाँ भी इन्होंने पीट दिए, यहाँ क्यों पीट दिए? ये नू पीट दिए, उधार सामान ने पैसे नहीं देते, पैसे नहीं दिए, गुंडागर्दी चल रही है। हाँ खूब वो बजा दिए, मेरा पोता पीछा वो बच्चा। क्या काम करते है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग? दुकान करते हैं ये मेरे बच्चे पोते। यहाँ जिसने मारपीट करी है वो क्या कारोबार कर रहे हैं ये तो यहाँ सर? बिल्कुल, तो आपने यहाँ के क्षेत्रवासियों से सुना, पुलिस यहां पर आती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। शराब तस्कर के उत्पीड़न से यहां पर लोग पलायन करने को मजबूर है। मैं अपने सहयोगी अरुण सागर के साथ राजू शर्मा के न्यूज मेरठ।